नमस्कार, मैं क्या तो बात करूंगा नीट पीजी 2023 के रिवाइज कट ऑफ से रिलेटेड बातों पर। तो अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें। मैं इस वीडियो को ला रहा हूं रिवाइज कट ऑफ और जो पेटिशंस फाइल हो रखी हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो मैं बता दूँ आपको, जो रिवाइज कट ऑफ का जो शेड्यूल है मैंने बताया था कि जल्द ही आ सकता है और चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल जो उसमें बात करेंगे तो वो पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए मिल रहा है मेरे को, क्योंकि कुछ पॉजिटिव जो न्यूज़ है या कुछ चीज़ें जो मेरे को सुनने में आ रही हैं कि ऑल इंडिया जो काउंसलिंग है आपकी थर्ड राउंड, उसको अभी स्टेक में यानी कि होल्ड पे कर दिया गया है। और वो क्यों किया गया, क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। तो जो PWD जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पेटिशन फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में रिलेटेड काउंसलिंग रिलेटेड इशूज़ को, कि जो काउंसलिंग जो न्यू सिस्टम है 2023 का, वो आपके जो PWD कैंडिडेट्स को काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है, उनको सीटें अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने PWD सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दी है। अब उसकी वजह से राउंड 3 की काउंसलिंग स्टॉप कर दी गई है, यानी कि पोस्टपोन कर दी गई है। और काफ़ी स्टेट्स यानी कि जैसे कि राजस्थान, बिहार, MP और काफ़ी स्टेट्स हैं जिन्होंने अपनी नीट PG 2023 के थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग डेट्स थी उसको पोस्टपोन करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। साथ ही साथ महाराष्ट्र स्टेट ने भी वो नोटिफिकेशन जारी किया है कि जब तक NMC का न्यू कोई भी नोटिस नहीं आता है तब तक हमारी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट पोस्टपोन्डेड है। तो इस अगर बात करें इस तरीके से तो हम लोग को शायद कोई पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, रिस्पेक्टिव डॉक्टर्स हैं, वो पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि रिवाइज कट ऑफ पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, क्योंकि लास्ट में देखा गया है कि 2021-22 में काफ़ी सीटें आपकी क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल दोनों वैकेंट चली गई थी। उसके लिए जो इशू क्रिएट हो जाता है कि बाद में जो कट ऑफ रिड्यूस करने के बाद भी सीटें वैकेंट निकल जाती हैं। और इस साल क्या हुआ ऐसा कि जो सीटें हैं वो क्या गवर्नमेंट चाहती है फिर से वो ऐसी खाली चली जाएँ और जो कॉलेजेस हैं, लेकिन कोई प्रयास नहीं कर रहा है, कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अब देखना ये है कि रिवाइज कट ऑफ आएगा कि नहीं आएगा। अगर आएगा तो काफ़ी स्टूडेंट्स की जो ऑप्शंस हैं वो खुल जाएंगे, अगर नहीं आएगा तो होप ख़त्म हो जाएगी। अब देखना ये है कि क्या होता है आगे इन फ्यूचर। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे और बात करेंगे साथ ही साथ कुछ नए अपडेट्स के लिए रिवाइज कट ऑफ के बारे में।